जब हम देखते हैं कि वो सपने हमारे टूटते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना एक पेरेंट्स बिल्कुल हताश हो जाते हैं, हैं क्यों, क्योंकि उनके आगे एक बच्चा जो गलत उस पे जा रहा है उसको कैसे हमें वापस लाना है। कभी ना कभी फिर वो खुद भी ट्राई करेगा। हाँ, वो उसने ट्राई करा, ऐसा उसके फादर की तो कुछ समय बाद डेथ हो गई, लेकिन बच्चे ने तो लिया, क्योंकि वो उस माहौल में रह गया था, एक उसका प्रेशर भी था। मालूदी, क्या आपको लगता है जो ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, ज्यादा जो बिल्कुल सख्त रहते हैं हर चीज को लेकर के कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से करेगा, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? ये तो बात करी हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर की, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा एक डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एज अ पेरेंट वो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, क्या सॉल्यूशन है, या माँ बापों को क्या करना चाहिए ऐसा कि वो वापस उस बच्चे को सही ट्रैक पे ला पाए या सही दिशा दे पाए, ऐसे क्या चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए? तो जैसे एक पौधे को पालते हैं ना, एक बीज डाला, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है, पालता है। वही समझिए कि आप, आपके पास एक पौधा है, बच्चा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको कैसे पालना चाहिए एक मदर से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम इंडियन यूथ में बढ़ते हुए सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मेजरली जो पेरेंट्स का आउटलुक होता है या पेरेंट पे जो बीतती है, एक नॉर्मल इंडियन हाउसहोल्ड में जो बीतती है, हम उस विषय में बात करेंगे। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करी है। इनफैक्ट 2022 में एक स्टडी आई थी, एंड ऑफ 2022 दिसंबर के अराउंड, उसके एक समरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उस डेटा को भी देख सकते हो, डेटा बहुत अच्छा नहीं है। उसके मुताबिक एक में से तीन इंडियन यूथ कोई ना कोई टाइप का सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे और एक पेरेंट का आउटलुक जानने की कोशिश करेंगे। तो मालूदी, आप मुझे बताओ, हम आज एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से दो चीज़ें पहले बताइए, बच्चा क्या है, बच्चे की उस आप किसको बच्चा कंसिडर कर रहे हो जिसमें पेरेंट्स का अपना एक से होता है जिसकी लाइफ में। फिर आप मुझे बताइए कि एक पेरेंट का आउटलुक इस विषय में हमें बात करने की ज़रूरत क्यों है? मतलब ड्रग अब्यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ कह लीजिए या नशा कह लीजिए, ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट अभी उस स्टडी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, तो हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। एक पेरेंट का आउटलुक बताएंगे आप? देखिए यश, आप बच्चे की जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक बच्चे को हम 9-10 साल से लेकर हम 21 साल तक के को एक बच्चा मान के चलते हैं। बच्चा तो वैसे जीरो से ही लेते हैं, लेकिन जो जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं वो ज्यादातर 9-10 साल से लेकर 21 साल तक, क्योंकि जब बच्चा आपका जब स्कूल से कॉलेज में जाता है, 21 साल हाँ, के बच्चा 21-22 साल की उम्र तक वो कॉलेज में ही होता बच्चा, तो हाँ 18 साल तक तो साथ रहते ही रहता है, उसके बाद ही बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 21 साल तक बच्चा हमारे कंट्रोल में रहता है। बच्चे को माँ बाप अच्छी तरह से देख सकते हैं, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, एंड ऑफ द डे कॉलेज की फीस तो पेरेंट्स ही भरते हैं, बच्चा तो भरता है नहीं। नहीं नहीं, कंट्रोल का मतलब है कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे को हम देख रहे होते हैं, बच्चे की जो बच्चा किस दिशा में जा रहा है हम लोग उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद तो जब बच्चा कॉलेज चला जाता है, हमारे पास से बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, जिसकी गुंजाइश होती है बाहर भेजने की, तो हमारा कंट्रोल ऐसे ही खत्म हो जाता है। हम तो ये कि या फोन तो उससे बात कर लेते हैं या उसके फ्रेंड से बात कर लेते हैं कि क्या है, तो या जो बच्चा हमें बताता है वैसे हम बस उस पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास रहता है तब तक तो हम मेजरली आज हम बात कर रहे हैं 10 से लेकर के 21-22 साल तक के बच्चे की। हाँ, हाँ। मतलब कि स्कूलिंग प्लस कॉलेज लाइफ, इमीडिएट कॉलेज, बिल्कुल। मान लो थी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक पेरेंट पे इस चीज का क्या असर पड़ता है, क्या बीतती है, क्योंकि देखो कोई बहुत अच्छा मेडल तो है नहीं नशा करना, दारू पीना या सिगरेट पीना, चोरी छुपे करता है बच्चा, गलती होता है, चोरी छुपे कोई भी चीज करी हुई गलती होती है, तो पेरेंट पे क्या बीतती है भाई? अगर एक बच्चा उसके आंखों के सामने कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसी आदतें पड़ गई हैं
जो कि बहुत ज़रूरी है कि उसको सुधारने की। लेकिन उस समय माँ बाप एज ए पेरेंट हम सोचते हैं कि देखिए मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसमें एक एक रहता है कि एक सोच रहती है कि मैं बच्चे को ऐसे पालूंगी या पालेंगे, बच्चा हमारे बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाए, वो इस लायक बने, वो बहुत जो भी एक सपने होते हैं, जो बहुत सपने होते हैं, जब हम देखते हैं कि वो सपने हमारे टूटते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना पेरेंट्स बिल्कुल हताश हो जाते हैं, हैं क्यों, क्योंकि उनके आगे एक बच्चा जो गलत उस पर जा रहा है, उसको कैसे हमें वापस लाना है, कैसे उसे वापस ठीक ट्रैक पर लाना है, ये माँ बाप तो माँ बाप ही जान सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इनकी होप टूट जाती है, वो हताश हो जाते हैं, और उसमें ये लगता है कि जैसे उनके सामने जो एक पूरी दुनिया है बच्चे को लेके, वो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। नहीं, सही बात है, बच्चा सपना देखता है पर वो सपना तो माँ बाप ही पूरा करता है। हाँ बिल्कुल, पर जब फिर बच्चा एक गलत डायरेक्शन ही बोलेंगे, कोई अच्छा डायरेक्शन तो है नहीं, बिल्कुल, अब जो गलत डायरेक्शन में चलने लग जाता है तो फिर बुरा तो लगेगा। मैं एज अ पेरेंट अभी समझ नहीं सकता क्योंकि हूँ नहीं, फ्यूचर में आई होप समझूंगा, बट आप ये सही कह रहे हो, पेरेंट्स सबसे पहले तो हताश होते हैं, बुरा लगता है, दिल टूटता है, क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश पेरेंट्स शुरू में पूरा करता है, जो बच्चा कहता है वो उसको नहीं लगता है। जैसे कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बचपन में बहुत सारी सुविधा नहीं मिली होती है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कमियां या जो हमारी लाइफ में रह गई है वो अपने बच्चे के लिए पूरा करें, तो उसी को एक सपना देखते हैं, उसी में माँ बाप, चाहे वो दोनों माँ बाप नौकरी करें या काम करें, कुछ भी करें, बिजनेस करें, उस चीज को पूरा करने के लिए। देखिए आज की लाइफ ऐसी है ना, आज की लाइफ ऐसी है तो ये लगता है कि नहीं, बच्चे को हर सुविधा मिलनी चाहिए, उसको ऐसी कोई परेशानी ना आने चाहिए जो कभी ना कभी। देखिए चाहे दोनों पेरेंट काम करें, चाहे एक काम करे और एक घर बनाए, काम तो वही है, बिल्कुल, होम मेकर होना, एक नौकरी वाला वाली होना, इसमें कोई अंतर है नहीं, बिल्कुल, घर नहीं संभलेगा तो पैसा लगे करोगे क्या, बिल्कुल, रोल तो दोनों का बराबर ही होता है। मान लीजिए कोई बच्चा एक डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एज अ पेरेंट वो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, वो क्या ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिनको देख के एक पेरेंट, एक मदर, बेसिकली तो मदर बच्चे की टेक केयर करती है अक्सर, एक मिडिल क्लास किसी भी लेवल के टीयर के हाउस होल्ड में एक मदर है जो मेन मेजर रोल प्ले करती है बच्चे को देखने का, वो क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ है? देखिए अगर जैसे हमने कहा कि अगर बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, आपको पता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है एक नॉर्मल लाइफ जीता है, उसका सुबह दिनचर्या से लेकर अपने पढ़ाई से लेकर खाने पीने से लेकर सोने तक का एक दिनचर्या होता है, लेकिन उसमें अगर उसमें कुछ आपको चेंजेस लग रहा है, जैसे आपका बच्चा गुमसुम रहना शुरू कर दे, या आपका बच्चा बाहर ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रहा है, या पेरेंट्स से या घर वालों से कटने की कोशिश कर रहा है, या अपना दरवाज़ा बंद करके काफ़ी समय तक कमरे के अंदर ही बंद रहता है, या फिर ये होता है कि मोबाइल में ही लगा रहता है, या अपने दोस्तों से भी जैसे उसको लगता है कि मैं बातचीत करूं, या मतलब ये होता है कि फ़ोन पे लगा रहे, या खाना कभी या तो ज़्यादा खाने लगता है या बिल्कुल ही नहीं खाता है, कि इरिटेट होने लगता है, आप अगर उससे बातचीत करते हो या कभी कभी तो बड़े झल्लाने लगता है ना, फिर अचानक उसकी मतलब झल्लाते तो टीनेज में झल्लाते तो सभी हैं, बट एक्स्ट्रा ओवरबोर्ड हो जाना, हाँ, आप उससे कहते हैं बिल्कुल, आप उससे पूछ रहे हो या उसकी कोई जरूरत है, जैसे अचानक उसकी जो आप मान लो पॉकेट मनी देते हो या कुछ पैसा देते हो, अचानक उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, कि नहीं, हाँ, कि हमें पैसे की जरूरत थी, शराब नशा या कुछ भी हो तो पैसे से बढ़ जाती है, स्कूल से कभी कभी शिकायतें आने शुरू हो जाती हैं कि भैया आपका बच्चा स्कूल, अगर वो स्कूल में है, नहीं जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, आप अगर कुछ समझाने की कोशिश पूछने की होती है तो वो बहुत ज्यादा झल्ला के आपका कटने की कोशिश करता है, तो बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स हैं या इस तरह की बहुत सारी आते हैं जो हमें लगता है कि चेंज हो रही है, तो आपको लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, आपका बच्चे के साथ कुछ ना कुछ घटना हो रही है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको उस समय वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना है, फिर उसके
आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके कारण क्या है। फिर ये सारी चीजें चोरी में भी बदलती हैं। हाँ, बल्कि हाँ, एक है कि अचानक ये बहुत जरूरी चीज है बताना कि घर से कुछ ना कुछ सामान गायब हो रहा है या आपकी जेब से, पर्स से पैसा। ये देखिए, आप कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बिगड़ा हुआ नहीं मानते, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल, है ना, अपना बच्चा सबसे अच्छा है। बहुत कम पेरेंट ऐसे होते हैं जिनको ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम हमारे बच्चे के अंदर है। उससे पहले सबको लगता है कि बच्चा हमारा सबसे बढ़िया। उसमें क्या होता है कि आप फिर घर में देखते नहीं हो चीजें, कभी आपके जेब से पैसा चोरी हो रहा है, कभी आपके वॉलेट से, आपके पर्स से पैसा चोरी हो रहा है। अब चोर तो वही है जो पकड़ा जाए, अब बच्चे की चेकिंग कौन करेगा? बिल्कुल, मतलब दिमाग में भी नहीं आएगा कि मेरा बच्चा चोरी कर रहा है। घर से किताबें गायब हो रही हैं, ठीक, ये सारी चीजें आप फंड करने, अपने नशे को फंड करने के लिए कुछ तो करेगा ही बच्चा। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बच्चे की जेब से भी ना, कभी अचानक आपने चेक कर लिया या आप कपड़े धोने जा रही हैं, आपने बच्चे को लिया, बच्चा अगर अपनी चीजों को उसमें से निकालना भूल गया, तो कभी कभी जैसे सिगरेट की कुछ या कुछ कुछ ऐसे वैसे जो एविडेंस रह जाते, एविडेंस कुछ भी हो, है ना, तो वो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रह गया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ नहीं है। कभी कभी बहुत स्मेल सी आने लगती है कि उन कपड़ों से, तो आपको समझ में आ जाता है कि बच्चा गलत ट्रैक पे चल ही रहा है इस समय। तो मालूदी, ये तो बात हो गई कि सबसे पहला तो पेन, इस टॉपिक में पेन पॉइंट यही था कि पेरेंट को कैसा लगता है, वही चीज पे हम बात कर रहे थे। बात करते हैं कि इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चा चाहता है करे या उसको पता ही नहीं होता। 10 साल से लेके 12th क्लास तक, लमसम 17-18 ईयर्स तक बच्चे को खुद नहीं पता होता क्या चाहिए होता है। बट आपके हिसाब से वो क्या ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस है जिससे वो अट्रैक्ट होता है या उस डायरेक्शन में जाता है? कि एंड ऑफ द डे नशा एक एस्केप रूट है, ये वेल आइडेंटिफाइड फैक्टर है, सब मानते हैं। जो नहीं मानता वो भी एंड ऑफ द डे जब बड़ा हो जाता है वो भी मानता है कि खाली ये बचने का एक जरिया था सच्चाई से। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं जिससे बच्चा इस तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है? देखिए, सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो आपका एक समाज है, एक बाहर की दुनिया है। बच्चा जब आप जैसे ही बच्चा उस दुनिया में देखता है, है ना, तो उसको क्या लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, या जो बड़े लोग करते हैं कि नशा करते हैं, ये करते हैं, हम लोग क्यों ना करें। तो वो अट्रैक्ट होता है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, सबसे बड़ी बात है जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, आप बाहर का और मेरे हिसाब से घर का भी, हाँ। देखते तो घर में, हाँ, फ्रॉम योर हाउस, सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि घर में बच्चा जो देखता है, घर में तो एक उसको एक डर सा रहता है, हाँ। अगर आप देखते हैं, हाँ। कि अगर उसके पेरेंट या उसके फादर कुछ भी लेते हैं या शराब लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो नहीं। आपने बढ़िया बोला कि फादर, अक्सर घर में फादर ही है जो खुलेआम सिगरेट शराब पीते हैं। देखिए, फादर है, फादर के फादर हैं, लेकिन वो फादर भी अपने फादर के सामने नहीं खुलते हैं, है ना। तो इसलिए जो बच्चा होता है वो देखता तो है, देखता है, लेकिन वो चाहे वो छुप के ट्राई करता है। एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि बच्चे की हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, हाँ, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। उसको अगर देखा जाए, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, आप जैसे मोल्ड करोगे हो जाता है, तो वो एक जिज्ञासा होती है कि बच्चे को कि मैं ऐसे करूँ, क्या होता है ये क्यों लेते हैं। तो अगर एक चाहने की इच्छा होती है, तो मतलब संक्षिप्त में इसका ये है कि पहला कदम तो घर से ही उठता है। बिल्कुल, है ना। तो और क्या क्या इसके चीजें रहती होंगी? तो घर पे, अगर हम घर की बात करते हैं, तो घर पे जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, मेरे फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे, बीमार भी रहने लगे थे। उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी, उनका एक बच्चा था छोटा, होगा 6-7 साल का। और वो क्या करते थे कि अपने बच्चे को कई बार तो सिगरेट की उनकी बहुत लत, मतलब चेन स्मोकर जिसे बोलते हैं वो थे। अब वो बच्चे को बार बार बाहर पैसा लेके भेजते, सिगरेट लिया। फिर कभी कभी तो यह है कि जो घर में उनका जो शराब रखी रहती थी, वो खुद तो उठ के ठीक से ले नहीं पाते थे, बच्चे से कहते थे ला ग्लास लिया, बेटा इतना इतना इसको इतना डाल दे, फिर इतना पानी डाल दे, तो बच्चा क्या देखेगा, है ना। बच्चा तो वही दिन में देख रहा है ना, कभी ना कभी फिर वो खुद भी ट्राई करेगा। हाँ, वो उसने ट्राई करा, ऐसा उसके फादर की तो कुछ समय बाद डेथ हो गई, लेकिन बच्चे ने तो लिया, क्योंकि वो
उस माहौल में रह गया था, एक उस पर प्रेशर भी था और दूसरा ये भी है कि प्रेशर बहुत होता है बहुत, हाँ जी, तो उस पे भी वो क्या करता है कि अपने को बुलाने के लिए। और मैं ये बात बताना चाहूंगा, प्रेशर कोई पैसे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है, कोई किसी का फादर नहीं है, मदर नहीं है, घर में हमेशा कोई बीमार रहता है, तो एक स्ट्रेस हो जाता है कि यार इससे किसी तरह निकल के 10-15 मिनट, एक घंटा दो घंटे की मुझे आराम मिले, एक ये भी सही रोल है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर उसपे कि जो उसके सलाह देने वाले होते हैं कहते हैं चलो अगर इतना परेशान है, कुछ 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 केस ऐसे भी होते हैं कहते हैं परेशान है अगर चल सिगरेट पी ले तो थोड़ा सा मेंटली रिलीफ मिल जाएगा। क्या कहते हैं वो, सिगरेट सिगरेट पीने से स्ट्रेस रिलीफ होता है। हां एक ये तीसरा है कि आपको इंट्रोडक्शन करवाता है कोई, हां और एक ग्लास मतलब एक थोड़ा कहता है ड्रिंक ले लो यार चलो ठीक है। अक्सर चलिए ये बात 11th-12th में मानूंगा कि ये बात जो आप कह रहे हो कोई और ट्राई कराना, 11th-12th क्लास का मतलब कि 14 या 15 से 16 तक 18 तक बच्चे को आज के 15 से 18 में ये होता है, पर जो मेजरली ये जो होता है ना कि जो ये रिपोर्ट के हिसाब से भी 10 से लेकर के 21 साल तक के बच्चे ये ही बहुत ज्यादा अब डिपेंडेंसी हो चुकी है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ 10 साल का बच्चा, 10 से लेकर 14 साल तक का बच्चा छोटा ही होता है, उसका क्या कारण रहता होगा कि वो अट्रैक्ट हो नशे की तरफ या शराब सिगरेट किसी भी टाइप का, तंबाकू ही क्यों ना हो, जर्दा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं वही क्यों ना हो, उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? देखो एक तो हमने पहले भी आपसे कहा था, एक तो घर का माहौल, घर का माहौल, घर में अगर बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़ा, पेरेंट्स में आपस में लड़ाई झगड़ा ये होता है, बच्चा अगर आपका जो उसके फादर हैं बहुत ज्यादा पीना पाना या आपस में लड़ाई झगड़ा, मदर को वो करना, तो एक बच्चा तो ये होता है कि जब फादर ऐसा कर रहा तो मैं भी क्यों ना करूँ, दिमाग में उसके आता है। आपने पहले एक एनालॉजी प्रोवाइड करी कि बच्चा तो घड़ा है, उसमें आप जब पानी डालोगे तो जिस शेप का घड़ा उस शेप में मोल्ड होता रहेगा, तो या तो आप उसको या तो अपना घड़ा बदलो या पानी का फ्लो बदलो। मालूम है क्या आपको लगता है जो ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, ज्यादा जो बिल्कुल सख्त रहते हैं हर चीज को लेकर के कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से करेगा, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? हाँ इसमें भी ये कारण भी हो सकता है कि भागने की कोशिश करता है, मतलब ओवर कंट्रोलिंग से बहुत ज्यादा उसका असर तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा फिर वो भागना शुरू कर देता है, वो इधर उधर जाता है कि नहीं मेरे फादर जी, मान लो कि उदाहरण के लिए उसका कोई फ्रेंड है ना, अगर माँ बापों को समझ में आता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है आते हैं या कुछ है, तो क्या करेंगे अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं, तो उसके साथ मत जा, वो बच्चा ऐसा है, मतलब बच्चे की चॉइसेस पेरेंट लेने लग जाते हैं छोटी सी छोटी चीज कि नहीं जाना है, तो बच्चे क्या करता है कि अरे मेरे दोस्त से ऐसे मेरे पापा मम्मी बात कर रहे हैं, इवन ये कि उसके उस दोस्त के मम्मी पापा भी ऐसे ही कहते होंगे कि वो ऐसे ही होता है, अक्सर होता ही है। हाँ, तो वो अरे ज्यादा एक्सपीरियंस तो पेरेंट्स को होता है, इंसान समझ रहे हैं बिल्कुल, तो फिर भी ज्यादा कंट्रोलिंग अगर हो जाता है तो बच्चा बच्चा क्या माँ बाप को सुनता है, चोरी छुपे मिलना शुरू कर देता है उससे अपने दोस्त के बारे में, ओवर कंट्रोलिंग भी एक फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर आप बच्चे पर अपना दबाव डालेंगे बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें, तो ये जो दो तीन बात हमने करी ओवर कंट्रोलिंग और इंट्रोडक्शन वाली बात, ये तो लागू हो जाती है आपके 10 से 14 15 साल के बच्चों के। फिर एक टाइम आता है जब बच्चा कॉलेज में जाता है, 11 12th का जो एक फेज होता है उसमें तो बच्चा पूरा खुलता ही खुलता है, तो उसमें तो फिर वही जो हमने पहले बात करी थी कि कंपनी की बात आ जाती है और ये सारी चीजें। अब जब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में एक चीज होती है कि आजकल ये देखा जाता है कि स्टेटस सिंबल बन गया, सिगरेट पीना, जॉइंट पीना, तो ये सब एक स्टेटस सिंबल हो गया, कूल बनने का एक हो गया, मतलब हीरो बनने का हिसाब किताब हो गया। क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं कि मतलब सब कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, करती हूँ कुछ ऐसा आजकल, मतलब ये सब जो बातें आती है ना ये बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है ये, इंटरनेट का है ना, फिर आप जब आप कॉलेज में जाते हैं तो हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कोई आपके एक नॉर्मल फैमिली से आता है, कोई हाई फैमिली से आता है, कोई और अच्छी फैमिली से आता है जिससे आपकी दोस्ती, तो जो जैसे कोई बच्चा हमारी एक नॉर्मल फैमिली से जाता है तो अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई मैं क्यों नीचे हूँ, एक होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, तो कि भाई मैं अगर उसके साथ पढ़ रहा हूँ तो मैं भी उसकी बराबरी करूँ, है ना, उससे भी क्या होता है कि आप जो बच्चे
कर रहे होते हैं तो आप भी उसे इन्फ्लुएंस तो होते ही है, इन्फ्लुएंस होता है, आप एक चीज समझ जाते हो कि इस वजह से इनका एक स्टेटस है, एक रोल है, कूल बनने का रोल है, तो अगर मैं भी वो चीज करूंगा तो मैं भी उधर एक्सेप्ट करा जाऊंगा। एक ये चीज तो आती है बच्चों के दिमाग में, असल में बच्चा कोई 21 साल का बच्चा बहुत बड़ा तो होता नहीं, लेकिन हाँ ये दिमाग में आता है, फिर वो बहुत सारी मूवीज देखता है, बहुत सारी वीडियोस देखता है, आजकल तो जो भी आप सर्च करो सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीजें वो सीखता है बच्चा, है ना। चलिए तो मतलब मोटा मोटा अगर हम इसको कंक्लूड करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को, तो मोटा मोटा ये चीजें सामने आई है हमारी बातचीत से कि एक तो घर का, सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट जिस तरीके का है उस तरीके का बच्चा ढलेगा, वही चीजें ट्राई करेगा, वही चीजें उसके लिए सही है, वही चीजें उसके लिए गलत है, वही चीजें उसके लिए हर चीज है। फिर आपने बोला आपका इंट्रोडक्शन कि घर से ही इंट्रोडक्शन होता है, फिर स्ट्रेस हो गया कि घर में इतनी सारी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो बच्चा एस्केप ढूंढता है। फिर आप हम बात करें, हमने पीयर प्रेशर की, फिर हमने बात करी स्टेटस एक बनाने की, तो ये चार पांच चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल रीजंस है जिस वजह से एक नॉर्मली आप अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो 10 चीजें और निकल के आ जाएंगी, बट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये चार पांच चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं, जिस जो कैटलिस्ट बनती है चीजों को, बच्चे को उस डायरेक्शन में जाने के लिए, किसी और चीज को सब्सटेंस अब्यूज करने के लिए। एक ये भी इसमें एक फैक्टर, एक इसमें एक और भी फैक्टर जुड़ता है कि अगर बच्चे को जैसे उसके यहाँ प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ है, तो बच्चा क्या होता है कि वो चीज़ देखता है ना, फिर देखता है कि मुझे शायद जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के लिए मान लो कह गए मुझे एमबीए करना है, एक उदाहरण ना, लेकिन कॉस्ट जो फैक्टर होता है, जो एक इनकम का फैक्टर, उसको जो घर से पैसे मिलने का फैक्टर है या घर की जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, अगर वो उससे नहीं कर पाता है तो एक वो डिप्रेशन या कुछ उस एक स्थिति में भी जाता है या कि मैं नहीं कर पा रहा, तो उससे भी क्या होता है कि कभी कभी ये वो बच्चा कभी कभी तो नहीं, इस चीज को तो मैंने भी बहुत जगह देखा है, बहुत बच्चों में देखा है, वो अलग चीज है, फैक्टर प्ले करती है कि आप डिप्रेस्ड आ जाते हो, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, तो फिर से आप सबका संक्षिप्त यही है मालूदी कि आप अपना एस्केप ढूंढते हो, और आज की डेट में अनफॉर्चुनेट ये है कि नशा एस्केपिज्म का एक मेन जरिया बन चुका है, दरवाजा बन चुका है कि कम से कम 1-2 घंटे के लिए आप दुनिया से परे होकर के बैठे हो, उन 2-3 घंटे में आपको कुछ चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप नम हो रखे हो बेसिकली। तो ये तो बातें हुई कि बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, अब तो चला गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा गलत ट्रैक में चला गया, क्या सोल्यूशन है या माँ बापों को क्या करना चाहिए ऐसा कि वो वापस उस बच्चे को सही ट्रैक पे ला पाए या सही दिशा दे पाए, ऐसे क्या चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, पहली चीज तो है कि आप उस बच्चे की गलती, मतलब पहली चीज कि आपने देख लिया कि मेरा बच्चा गलत है, तो उसको कभी भी रिएक्ट मत करिए, कभी भी उसको ऐसे झल्लाए मत, अग्रेसिव नो, हाँ हाँ, कि आपने ये गलती करी है या तुम स्कूल नहीं गए या तुमने तुम्हारे जेब से ये निकला या तुमने पैसे ज्यादा खर्च कर लिए या तुमने ये सब, ये कभी भी सबसे पहला एक थंब रूल है कि बच्चे को कभी भी इस तरह की आप मत डांटिए, ठीक है, अगर आपकी समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे से एक दोस्ताना आपको एक रिलेशन बनाने पड़ेंगे, चाहे मदर हो, फादर हो, या उसके जो बाबा दादी जो भी हैं, लेकिन बाबा दादी तक एक सीमित अलग होते हैं, लेकिन माँ बाप को ज़्यादा इसमें पहल करनी पड़ेगी, ठीक है। बाबा दादी तो कहते हैं बच्चों को बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने से मेरा मतलब है कि ज्यादा पैम्परिंग हो जाती है, तो होता उसकी ही है। बच्चा अपनी ख्वाहिशें या छोटी मोटी चीजें बाबा दादी से निकलवा लेता है, ठीक है। दोस्ती तो पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी, दोस्ती एक तो है कि अब आपको दोस्ताना आपका रिश्ता बच्चे के साथ होना चाहिए। अब जैसे आजकल की डेट में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही पेरेंट हो, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें दोनों पेरेंट्स का काम करना बहुत नेसेसरी है अगर आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। अब इससे होता क्या है कि 10-12 घंटे आप इन्वॉल्व रहते हो अपने काम पे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे
व्हाटएवर यू आर डूइंग टू अर्न योर इनकम, आपको घर से बाहर होना ही पड़ता है, या चलिए घर में आपने होम ऑफिस बना रखा है उसमें, पर आपको बिजी होना पड़ता है उस 10-12 घंटे में, बच्चे पे ओवरसी तो नहीं हो सकता, तो क्या चीज है ऐसी, क्या करें वो पेरेंट, क्या करें भाई? देखिए, अगर आपका बच्चा है, आपको लग रहा है कि बच्चा हमारा इग्नोर हो रहा है हम लोग से, तो एज ए पेरेंट देखिए, पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कमा रहे हैं? फैमिली के लिए कमा रहे हैं, बच्चे के लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर जब आप घर आते हैं तो, क्योंकि बच्चा आपसे बहुत लंबे समय तक अलग रहता है, तो कम से कम आप आके आधा एक घंटा पौन घंटा उस बच्चे के साथ बैठना आपको जरूरी होगा, बच्चे की दिन भर की एक्टिविटी पूछे, बच्चे के स्कूल के बारे में पूछे, फ्रेंड्स के बारे में पूछे, उसके अपनी ज़रूरतों के बारे में पूछे कि वो क्या है, कैसे करा। तो एक ये होता है कि अगर आप आके थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह से उससे पूछते हैं, तो बच्चा अपने को बहुत मतलब हल्का महसूस करता है कि मेरे पेरेंट्स इतना समय निकालने के बाद भी, घर से बाहर जाने के बाद भी हमें समय दे रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चा समझे ना समझे, पर दिमाग में एक कामनेस ऑटोमेटिकली आती है, वो जाती है सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में। बिल्कुल, कभी कभी तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स में, कभी मतलब कुछ पेरेंट्स में जैसे बच्चे घर आते हैं, बच्चा मम्मी मम्मी पापा जैसे रहते हैं, तो वो एक झल्लाते हैं, अरे अभी आ रहे हैं और फोन पकड़ा देते हैं, नहीं फोन तो अलग बात है, मतलब चिल्लाते हैं उसके ऊपर, अरे अलग जाओ, तो उससे क्या होता है कि बच्चा फिर आपके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं, फिर तो कटेगा ना बच्चा, कटेगा ना, तो ये होता है। दूसरा है कि देखिए, पैदा अगर आपने किया तो पालना तो आप ही को पड़ेगा, आपने हेल्प रख ली इधर से, और आजकल अनफॉर्चुनेट है, आजकल क्या पहले से ही अनफॉर्चुनेट है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक हेल्प की तरह ही सामने आते हैं कि बाबा दादी आ गए, बाबा दादी संभाल रहे हैं, बाबा दादी कब तक संभाल लेंगे? ठीक है, बाबा दादी भी जब तक उनकी वैल्यूज आनी जरूरी है, उनसे इंटरेक्शन जरूरी है, बट ये नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल ही उन पर डिपेंडेंट हो जाओ। जैसे एक दोस्त है मेरा, वो जहाँ रहता था पहले, उसके बगल में जो हाउस होल्ड था, माँ दो बच्चे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं, माँ जाती टीचर है, स्कूल में पढ़ाने जाती थी, फादर स्टॉक्स का कुछ काम करते थे तो वो अपने काम में चले जाते थे, घर में उन्होंने दादी उनकी हमेशा रहती थी, वही बच्चों को संभालती थी, वही सब करती थी। अब कभी कभार वो मुझे बताता है, वो देखता था कि जब भी बच्ची जिद कर रही है तो दादी पैसे दे देती 10 रुपये या चॉकलेट का क्या है ना। अब वो आदत तो कैरी फॉरवर्ड होगी पेरेंट में, अब जब पेरेंट आएगा, अब बच्चे को पता है यार जिद करूंगा करूंगी तो मुझे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मिलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप बाबा दादी से ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, बाबा दादी देखिए बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर क्योंकि सकते, आजकल का सकते जो आजकल का जो जिस तरह का जमाना चल रहा है कि अगर घर में कोई नहीं है तो बच्चों के साथ बहुत सारी अनहोनी हो जाती है, तो ये तो प्रोटेक्ट तो करते ही है अपने हिसाब से, वो लोग बहुत अच्छी तरह तो बेस्ट करेंगे ना, बेस्ट करेंगे ना, आफ्टर ऑल उन्हीं के बच्चे का बच्चा है, आफ्टर ऑल तो हां, तो ये है कि पेरेंट्स तो उसी से हुआ, बिल्कुल पेरेंट्स को ये तो करना ही पड़ेगा आके। यहां पे फिर है कि कभी कभी जैसे बच्चे के साथ उसकी छोटी सी कभी गेट टुगेदर, उसके जो उसके पैर वो होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, हाँ, उसके साथ छोटी सी एक पार्टी कर ली है ना, चाहे आपकी बर्थडे पार्टी हो या ऐसे भी नॉर्मल पार्टी, उससे ये होता है कि उसके दोस्तों के बारे में पता चल रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे के मतलब बच्चे तो मिलते ही हैं, बच्चे की आप पार्टी करते ही, उससे क्या होता है कि आप दूसरे पेरेंट्स से भी मिलते हो, आप ओवरसी करने का एक और तरीका है कि आप बच्चों के पेरेंट्स से भी मिल रहे हो, बिल्कुल, तो वो एक उससे आपके पता चल जाता है कि उसके साथ कौन कौन से बच्चे, फिर अपनी ऐसे ही बातों बातों में उनके कुछ फ्रेंड्स के नंबर ले लिए कि कभी भी रैंडमली आप उसको फोन कर सकते हो या उसकी मदर से भी बात कर सकते हो या कुछ है। फिर समय समय पर है कि आप स्कूल जब जाते हो भाई, पेरेंट्स टीचर जो पेरेंट्स मीटिंग तो होती है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन यह कि कभी भी आप बीच में जाके आप पेरेंट्स से उससे अपने टीचर से उनसे बात कर सकते हैं कि भाई कैसा चल रहा मेरा बच्चा, कि उससे भी एक पता चल जाता है। दूसरा है कि आजकल एक जो वो है ट्यूशन, एक ग्रुप ट्यूशन आजकल चलने लगे, बीच बीच में उसमें भी जाके उसकी कैसा परफॉर्म कर रहा है बातचीत करना, तो बच्चे के साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली होंगे तो बच्चा अपनी बातों को बताएगा। हाँ, अगर उसने कभी गलत भी कोई चीज करी होगी तो ठीक है, कुछ क्या होता है, लड़कियां ज्यादातर जैसे मदर से
काफी होती है नहीं, वैसे हम कहने को तो फादर से ज्यादा अटैच रहती है, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें अपोजिट जेंडर का एक रूल हमेशा रहता है, बहुत सारी बातें मदर से जो फादर से नहीं बता पाती हैं, और कि जो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन लड़का माँ के ज्यादा करीब होता है, हमेशा ज्यादा अफेक्शनेट होता है, लड़की ज्यादा फादर की अफेक्शनेट होती है, ये हमेशा ही होता है ना। तो और ये कि फादर जैसे अब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है बेटा, तो फादर के साथ ज्यादा उसको दोस्त, मतलब फादर उसके साथ दोस्ती करता है, फिर कई चीजें कि मदर से पापा की परी और मादा लाडला है ना। फिर ये कि पापा, फिर ये होता है कि कुछ एज में जो बच्चे होते हैं जैसे लड़का होता है मदर से, फिर उस तरह से अटैच नहीं रहता है जिस तरह फादर। तो ये जो मोटी मोटी बात है कि बच्चे को अगर आपको अपने उसमें लेना है, फेवर में लेना है, सीधे सीधे कहना फेवर में लेना है या बच्चे को समझना है, तो उसके लिए आपको दोस्ती का घात तो बढ़ाने पड़ेगी। ऐसा है, ऐसा होता है कि जब आप सब कुछ शेयर कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स आपसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं, एक तो होता है कि आप अक्सर क्या गलती होती है, अक्सर क्या हमेशा ये गलती होती है कि बच्चे को हमेशा बच्चा ही समझा जाता है। हर उम्र में बच्चा तो बड़ा हो ही रहा है, हर उम्र में बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप उस एज के हिसाब से अगर उससे खुद बातें शेयर करने लगोगे, सही गलत की बातें शेयर करने लगोगे, तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होनी चालू होगी। सही गलत की समझ होनी जरूरी है, जो सिर्फ एक फ्रेंडशिप से ही हो सकती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो स्कूल में भी समझे, जाके पढ़े, ट्यूशन में भी जाके पढ़े, दुनिया भर की जगह जाके पढ़े, और फिर घर में भी आगे पढ़े। घर में तो उसको आप सिर्फ सीख दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयर करो या ना करो। सिर्फ बच्चा ही आपसे शेयर करता रहे, दैट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। वो अच्छी बात है कि बच्चा शेयर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, दैट मीन्स आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है, पर आपको भी शेयर करना पड़ेगा। बच्चा 18 साल का है, उसमें इतनी समझ है कि बाय लॉ वो शादी भी कर सकता है, इतनी समझ है उस बच्चे में कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज समझनी जरूरी है पेरेंट्स को भी कि यार आपको खुद भी शेयर करना पड़ेगा। और अक्सर ऐसे जो बच्चे होते हैं ऐसे हाउस होल्ड में, फॉर्चुनेटली मैं और मेरा भाई भी इसे ऐसे हाउस होल्ड में है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत फ्रैंकली बात कर पाते हैं सही गलत की, या फिर डर खत्म होकर के रिस्पेक्ट। डर हमेशा होता है बच्चे में, हमेशा अपने पेरेंट का डर रहेगा, बट डर का क्वेश्चन कम हो जाता है और रिस्पेक्ट का क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो आप जब कुछ गलत भी करते हो और आपको पता है कि वो गलत है, तो भी आप एक बैकफुट ले लेते हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या करूँगी। सिंपल सी कहानी है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर बच्चा छोटा होता है, यानी 15 साल तक, 16 तक, फिर तो बच्चा आपके साथ जाना पसंद नहीं करता है ना, फिर तो अपनी लाइफ, फिर तो ये कि उस बचपन में बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और होती है बड़े होकर के छोटे होने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, कुछ ऐसा वेकेशन पे चले जाओ, बच्चे के साथ घूमने के लिए चले जाओ, तो बच्चा देखता है कि हो सकता है उसके और जो दोस्त के घर वालों से देख के सीखता है। मान लीजिए एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, आप कुछ खा रहे हो, चिप्स का पैकेट खा रहे हो, एज अ पेरेंट आप पेरेंट खा रहे हैं, माँ बाप खा रहे हैं, बच्चा बैठा है गाड़ी में, आपने खिड़की नीचे करी, कचड़ा फेंक दिया ऐसी, अब बच्चा तो वही सीखेगा ना कि वही सही है। छोटा बच्चा यही तो देखेगा ना कि आपने कुछ चकड़ चकड़ खाया, चिप्स का कुछ खाया, पैकेट को डस्टबिन में डालने के बजाय बाहर फेंक दिया। अब वही चीज़ तो बच्चा भी देखेगा, वही भी समझेगा कि यार यही ठीक है, उठा के फेंको, तो जी सीखेगा। तो आपको भी तो अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेरेंट को कि आप कर क्या रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लाइफ। अब आपको अपनी लाइफ के लिए, आप भले ही कुछ हो या आपने अपनी लाइफ में उस टाइम में कुछ ठीक किया ना किया हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ठीक निकले, तो आपको अपनी हैबिट्स, अपनी चीजें ऑल टुगेदर बदलनी पड़ेगी। वो ठीक है, आप ठीक है, वही मैंने कि पहली सिंपल सी बात आती है कि बच्चा देखो जाने अनजाने में कोई जो गलतियां बच्चों से होती है ना, तो सबसे होती है। और दूसरा ये है कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत जाए, ऑफ कोर्स कौन पेरेंट चाहेगा कि गलत जाए, तो वो है कि हो जाती है आजकल का माहौल ये सब चीजें देख के ना, तो गलत उस पे अगर चले भी जाते हैं, बच्चा सीखता है, तो वो ऐसा नहीं कि अगर टाइमली उसको अगर आप हमेशा देयर इज अ चांस हमेशा पुल उसको आप वापस ला सकते हैं। हाँ जी, वो तो है, वो तो होता ही है। तो मतलब अगर हम सम अप करें क्या सॉल्यूशंस है, तो अग्रेसिव, सबसे पहला तो आपने यही मेंशन किया कि अग्रेसिव मत हो, अग्रेशन मार पिटाई कभी सॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल। फिर एक लव बॉन्ड बनाओ, एक प्यार मोहब्बत का घर में माहौल ही रखो,
परेशानी है आपकी लाइफ में, अगर आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परेशानी चल रही है, घर तक मतलब अगर ला रहे हो तो शेयर करो कि ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी अंडरस्टैंडिंग हो, लव बॉन्ड बनाओ। फिर आपने बोला दोस्ती बनाओ, एक फ्रेंडशिप बनाओ, कि बच्चा बोले माई फादर या माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, उससे बढ़िया मेरे ख्याल में पेरेंटिंग तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो ये मेजर आपके तीन पॉइंट्स ये थे। हाँ, दूसरा एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि देखो कभी भी, जैसे पहले भी मेरे पॉइंट में आता है कि बच्चे ने अगर कोई गलती करी, मान लिया बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, और उसको कभी भी नहीं कहा, मतलब नहीं कभी उसको महसूस दिलाना चाहिए कि तूने ऐसा किया क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती करी। तो बच्चा ये सोचता है कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी तभी मुझे इस तरह से कहा जा रहा है। और भी कुछ लोग हमने देखा कि कुछ कहते हैं कि भाई अगर बच्चा आपका ऐसा बिगड़ गया तो आप नशा मुक्ति केंद्र में आप डाल दीजिए। हाँ, ये गलती कभी मत करिए क्योंकि इससे बच्चा और बिगड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने तो मार्केट है नशा मुक्ति केंद्र, आपने तो अगर बच्चे को भेज दिया तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा, बड़े के लिए तो मान सकते हैं चलो जो बहुत एडल्ट जिसे बोलते हैं वो अगर उसमें चला गया, उसने अपनी छोड़ने की इच्छा है तो छोड़ दे, लेकिन बच्चे को अगर आपने ऐसा करा, क्योंकि मेरे साथ देखा उन लोगों के कई केस ऐसे हुए हैं जब आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बेंच मेंबर थे। हाँ, जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर थे तो बहुत सारे केस हमारे पास इसके अलावा भी आते थे, तो मेरी बातचीत होती थी उनके पेरेंट्स से भी होती थी बच्चे से, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र का तो कभी भी मैं फेवर में नहीं करूंगी कि आप बच्चे को वहाँ भेजिए, क्योंकि जो गाइड घर में आप बच्चे को कर सकते हैं वहाँ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे इसको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है ना, तो वो लोगों से कटना शुरू हो जाएगा, और है कि मुझे ऐसी जगह फिर टैग लग जाएगा ना बच्चे पे, अपने बच्चे के भी तो अपना सर्कल हुआ बिल्कुल, तो वहाँ बच्चे के बीच में तो ये हो जाएगा ना, ये तो नशा मुक्ति केंद्र के। अब भले ही वो एक पॉजिटिव चीज की सोच से बनाया गया, अगर इंग्लिश में आप उसे बोलो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, रिहैबिलिटेशन अपने में एक अच्छा शब्द है, पर सोसाइटी में तो एक ठप्पा है वो, तो उसको तो हम बिल्कुल ही उससे कहना चाहेंगे कि ये गलती आप कभी भी अपने बच्चों के साथ मत करिएगा। इसमें कभी बच्चा अगर गलती से आपका बच्चा कुछ गलत उसमें चला जाता है तो आप खुद ही एक अच्छे माँ बाप बन के उनको, उसको घर पे ही उसको गाइड करिए, तभी बच्चा आपका ठीक ट्रैक पे आ सकता है। ये मेरा अपना सजेशन है। तो रिहाब तो आप सही कह रहे हो, रिहाब इज नॉट द ऑप्शन, इट शुड नेवर बी एन ऑप्शन। हाँ, ये बच्चे के लिए, बड़ों के लिए तो ठीक है, बड़ा तो खुद अपनी समझ से जा रहा है। आप पर्सनली डॉक्टर से मिल सकते हैं कि क्या क्या आप उसको प्रिकॉशन कैसे, ठीक है बच्चे जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो आप इस चीजों के डॉक्टर होते हैं है ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब है, वो पर्सनली आप मिलके उनसे उनकी राय ले सकते हैं कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए, कैसे कैसे बच्चे को करना चाहिए, तो उनसे वो आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है कि भाई कौन सी ऐसा कोई कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे पे ज़्यादा असर कर देगी, चाहे जो कुछ गाने में सब है, लेकिन वो एक अलग पहलू है कि सब्सटेंस के विड्रॉल होते हैं, जब कोई छोड़ना चाहता है, बड़ों में ज्यादा होते हैं, बच्चे में उतना होता नहीं है, बट फिर भी विड्रॉल होते हैं, उनके लिए मेडिसिन होती है। आप साइकोलॉजिस्ट पे जाओ, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे जाओ, आप डॉक्टर पे जाओ, सो दैट, और उन बच्चे को अपने साथ अपने घर में रखो, गिव देम मोर लव, अंडरस्टैंडिंग दो कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट रिहैब मत भेजो, रिहैब इज नॉट द ऑप्शन, आपसे और कटेगा ही, आपको ब्लेम करेगा ही, और आपके फिर वो बहुत टाइम तक अगेंस्ट हो जाएगा। तो मालोदी, इस टॉपिक को आप समअप करते हैं, बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक, कुछ कहानी, कुछ चीज आप और मेंशन करना चाहेंगे मदर्स के लिए, स्पेसिफिकली मदर्स के लिए, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो बच्चे को माँ पालती है, बाप आसमान होता है, माँ जमीन होती है, पलता तो जमीन पे ही है, आसमान एक चादर होती है जिसका जिसका तब तो पता चलता नहीं है कि क्या रोल है, बट इवेंचुअली आसमान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप उन मदर्स को क्या फाइनली बताना चाहोगी, बोलना चाहोगी, एडवाइस देना चाहोगी? जैसे एक पौधे को पालते हैं ना, एक बीज डाला, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है, पालता है, वही समझिए कि आप, आपके पास एक पौधा है, बच्चा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको कैसे पालना चाहिए एक मदर से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। तो फिर इसी नोट पे, बच्चा एक पौधा है, उसको पालिए, अच्छे से पालिए, गलती करता है समझाइए। प्लीज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इनकी बातें अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया, वो जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।